और कुछ विदेशी भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम और कथक के आकर्षण से खींचे चले आ रही हैं। तो क्यों ना खोजे जाएं वो सूत्र जो किसी विदेशी को भारतीय संस्कृति से बांध लेते हैं। मृदंगम की थाप पर घुंघरों की झनकार के साथ थिरकते ये पांव हैं रूस के दिमित्री ज़ेमियेव के। ज़ेमियेव भरतनाट्यम सीखने वाले रूस के पहले कलाकार हैं। उन्होंने 1990 में दिल्ली के गंधर्व महाविद्यालय में भरतनाट्यम सीखने की शुरुआत की और अब त्रिवेणी कला संगम में ये कला सीख रहे हैं। भरतनाट्यम सीखने की प्रेरणा उन्हें मॉस्को में एक हिंदी फिल्म देखकर मिली। भरतनाट्यम सीखने के लिए स्पेशली विशेष आए हूँ मैं हिंदुस्तान में, क्योंकि बचपन में मालूम नहीं कुछ मैंने मूवी देखा हेमा मालिनी के साथ और पद्मिनी के साथ, एक परदेस, एक शायद राजा जानी या गीते और सीता, तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में हाथों और चेहरे के तालमेल के जरिए विभिन्न मुद्राएं प्रदर्शित की जाती हैं। ज़ेमियेव ने कठिन साधना से उसमें महारत हासिल की है। उनके नृत्य पर भरतनाट्यम के पंडनालूर घराने की छाप है। इस नृत्य को अब वो रूस में फैलाना चाहते हैं। मॉस्को जाके अपना पहले स्कूल खोलूंगा, बाद में देखते हैं क्या होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने सीख लिया कुछ चीज तो फिर भी दूसरे जमीन में डालने हैं, क्योंकि अभी तक मॉस्को में प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांस नहीं है और मैं फर्स्ट प्रोफेशनल डांसर, प्रोफेशनल टीचर। भरतनाट्यम सीखने के दौरान ज़ेमियेव का हिंदी और संस्कृत के प्रति प्रेम जागा और अब वो संस्कृत के श्लोक भी गाते हैं। निहिंदति चंदनम इंदुः किरणम मामुम विंधति खेदम अधीरम। और इनसे मिली एलेनोरा पित्रोवा, कथक की उभरती कलाकार। जी जनाब, ये भी मॉस्को से ही आई हैं। दुनिया भर में मशहूर बैले के उस्ताद रूसियों को कथक बहुत पहले से ही प्रभावित करता रहा है। सोवियत संघ के टूटने के पहले अनेक रूसियों ने कथक सीखा था। एलेनोरा भारतीय नृत्य के निहित भाव से काफी प्रभावित है। That is not only beauty of technique, but it is a deep meaning behind it. This is the dance which makes you think. Really think and what attracts the word India, that it is so old, so ancient. This truth was there since centuries. एलेनोरा 1993 से भारत में है और जयपुर घराने के कई गुरुओं से उन्होंने दीक्षा ली है। खास बात ये है कि उन्होंने रूसी बैले और भारतीय कथक के पारंपरिक ड्रेस को मिलाकर अपने लिए एक नया कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है। I believe this is the costume is meant not only to decorate yourself but to create a mood. So I've chosen this kind of mood and I just designed it. हमारे देश की नई पीढ़ी शास्त्रीय नृत्यों से कटी रहती है, लेकिन विदेशियों को हमारी ताल पर नाचते देखकर शायद उनकी दिलचस्पी फिर बढ़े।